क्या स्त्री ने पुनर्विवाह करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कभी बार हमारी तरफ लोग आते रहते हैं और उनको मतलब लेडीज आती है, उनको लाया जाता है, जब पूछते हैं तो उनको मानसिक बीमारी होती रहती है या कोई शारीरिक बीमारी है, मगर उसका कुछ सोर्स समझता नहीं कि भाई शरीर में बीमारी है मगर कुछ निकलता नहीं है, मगर कुछ ना कुछ बदन में दर्द इधर उधर 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 चालू रहता है, पचन नहीं होता, जो भी कुछ है प्रॉब्लम्स बदन के शरीर के रहते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस होता है या अकेलापन महसूस होना। तो फिर जब पूछते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई एक तो कुछ लोगों में वो विधवा हो जाती है, पति मर जाता है, कुछ लोगों के इसमें उसका डिवोर्स लेते हैं, तलाक हो जाता है, और नहीं तो फिर शादी हुई नहीं रहती कुछ कारण की वजह, और फिर जब ये होता है तो उनका सेक्स लाइफ जो है ना वो रहता है अधूरा, वो जो इच्छा रहती है वो पूरी होती नहीं। फिर कुछ लेडीज जो है, समझो पति मर गया या डिवोर्स हो गया तो अभी क्या शादी करना है, अभी अच्छा लगता नहीं है, अच्छा दिखेगा नहीं, या फिर कुछ समाज में शादी करना दोबारा पॉसिबल ही नहीं है, डिवोर्स हो गया मगर दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो एक तो भगवान का करना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, इसमें ज्यादा लग जाएगी, या फिर कोई बुआबाजी में लग जाएगी, या फिर सेक्स शांत करने के लिए बाहरी संबंध रखती है। ऐसा नहीं सभी करती है, कुछ कुछ स्पेशली समझो यंग लड़की है, उसका हस्बैंड मर गया या डिवोर्स हो गया कोई कारण से, उसको हमारे समाज में सपोर्ट तो बहुत मिलता है मगर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का क्या, वो नहीं होता। और फिर वैसा नहीं होता, फिर एक तो तीन तरह का है, एक तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है, एक तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मानसिक और शारीरिक, और नहीं तो फिर वो बाहर संबंध रखती है। तो ये सब टालना है मतलब। और मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी है ना, बहुत सारी हम देखते हैं लेडीज काफी अच्छे पोस्ट पे रहती है और पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव करती है, वो चिड़चिड़ापन है, लोगों से पट्टी नहीं है, गुस्सा करेंगी, चिल्लाएंगी, चीखेंगी, और कोई अच्छे पोस्ट के ऊपर रहती है वो, और हम जाते हैं कोई काम के लिए उनके पास में, लगता नहीं ऐसी लेडी क्यों कर रही है, फिर मालूम पड़ता है कि इसका डिवोर्स हो चुका है और घर में उसको सपोर्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल, मानसिक या फिर शारीरिक। तो इसलिए सेकंड मैरिज करना अच्छा है। सेकंड मैरिज किया तो क्या होता है, एक जो पार्ट है, जितनी शरीर को बदन को भूख की आवश्यकता है, अनाज की आवश्यकता है, भूख लगती है, वैसी बदन को सेक्स की भी आवश्यकता रहती है, और कोई बुरा नहीं हो, कुछ भी बुरा नहीं है। तो वो यदि कुछ उसको ये करने के लिए शादी करते हैं तो अच्छा है। अच्छा सिर्फ सेक्स के लिए शादी करना क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाकी भी सपोर्ट लगता है। एक लेडी समझो अकेली है तो उसको समाज अच्छी तरह से देखता नहीं है, उनके ऊपर बुरी नज़र डालते हैं लोग, हस्बैंड नहीं है तो लोगों का देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, लोग इजीली कुछ कमेंट पास कर देते हैं, मतलब उसको समाज में रहना हमारे यहाँ बहुत कठिन हो जाता है। तो एक हस्बैंड रहा और वो बराबर शादीशुदा लेडी है तो फिर उसको बाकी तरफ से भी काफ़ी सारा एक समाज में इज्जत मिलती है, सपोर्ट रहता है, और फिर लोग भी कुछ ज़्यादा मतलब इधर उधर बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बराबर डिस्टेंस से बात करेंगे और अच्छी तरह से बात हो, मतलब सोशल लाइफ जो है, ऑक्यूपेशनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, साइकोलॉजिकल लाइफ जो है, सभी पूरा अच्छा रह सकता है। और इसलिए डेफिनेटली ये सेकंड मैरिज करना अच्छा है और सेकंड मैरिज जरूर करना ही चाहिए। मेरा ऐप है मनोविकास डॉक्टर केळेकर नाम का, प्ले स्टोर से आप वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं। आपको ये विषय में कुछ भी सवाल जवाब होंगे तो आप मुझे संपर्क करो, हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू रहता है और आपके सवालों के जवाब हमारे से पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।